बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म टाइगर 3 अब बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। वही फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है टाइगर 3 को देखने के लिए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि सलमान खान टाइगर 3 के बाद कौन सी बड़ी फिल्म लेकर आने वाले हैं, क्योंकि सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान और राधे मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि ये दोनों ही फिल्म रीमेक थी। लेकिन अब सलमान खान जान चुके हैं कि उनके फैंस उन्हें किस रोल में देखना चाहते हैं, और अब सलमान खान एकदम फ्रेश और नई स्टोरी पर काम करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले खबरें आ रही थी कि सलमान खान अपने छोटे भाई सोहेल के साथ शेर खान फिल्म लेकर आने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। ऐसे में सलमान खान का नाम एक और बड़ी मूवी से जोड़ा जा रहा है, जिसका नाम है इंशाल्लाह। जी हाँ, आज से ठीक 5 साल पहले मेकर से इस फिल्म की अनाउंसमेंट की थी, और इस फिल्म को बॉलीवुड के लेजेंडरी फिल्म मेकर संजय लीला बंसाली जी बनाने वाले थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, संजय लीला बंसाली जी की फिल्में काफी बड़ी होती है और इनकी फिल्मों के शूट में काफी ज्यादा समय भी लगता है। और उस समय सलमान खान टाइगर जिंदा है, ट्यूबलाइट और रेस 3 की शूटिंग कर रहे थे, और इसीलिए इस फिल्म पर काम शुरू नहीं हो पाया। लेकिन अब सलमान खान ने इंशाल्लाह फिल्म को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। जी हाँ, अभी हाल ही में जब सलमान खान से जब आपकी अदालत में इंशाल्लाह फिल्म के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह फिल्म जरूर बनेगी, और अगर संजय लीला बंसाली चाहेंगे तो बहुत ही जल्द इस फिल्म पर काम शुरू होगा। वही बात करें फिल्म की कास्टिंग की, तो इंशाल्लाह फिल्म में हमें सलमान खान के साथ सुपरस्टार संजय दत्त और आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आ सकती है। और खबरों की बारे तो इंशाल्लाह मूवी भी काफी बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें सलमान खान के साथ बॉलीवुड के और भी कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे। इसी के साथ बात करें फिल्म के स्टोरी की, तो इंशाल्लाह भी बजरंगी भाईजान की तरह ही एक फैमिली ड्रामा फिल्म हो सकती है, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी थोड़ी हटके और अलग होने वाली है। और खबरों की माने तो ये फिल्म एक एपिक एक्शन थ्रिलर फिल्म हो सकती है, जिसमें सलमान खान का खतरनाक एक्शन लुक देखने को मिलने वाला है। वही बात करें ये फिल्म हमें कब तक देखने को मिलेगी, तो दोस्तों ये फिल्म का शूट अगले साल तक शुरू हो सकता है, और इंशाल्लाह मूवी हमें 2026 तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप सभी इंशाल्लाह मूवी को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।